गुड मॉर्निंग क्लास, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? सर सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कैसे हो रही है, कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, कम्युनिकेशन में क्या क्या बेसिक्स को मैं जान रही है, वो सारी चीजें हम लोग इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भाई ये कम्युनिकेशन है क्या, है ना। तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, किसी एक इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ट्रांसमीटर होगा जो उस इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा होगा, या ये कहें एक इंफॉर्मेशन सोर्स होगा जो उस इंफॉर्मेशन को जनरेट करके किसी डेस्टिनेशन पे भेजना चाह रहा होगा, ठीक। और वो अगर हम किसी मीडियम के थ्रू अगर वो इंफॉर्मेशन अगर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, दैट मीन्स हमने कम्युनिकेशन कर लिया, ठीक। तो इनिशियली जैसे हमने कल कहा कि भाई इनिशियली हम कोशिश करते हैं कि पहले एक मीडियम जनरेट हो, इंफॉर्मेशन सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक मीडियम जनरेट हो जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सके, अच्छा खराब लेकिन कम्युनिकेशन कर सके। फिर उसके बाद हम क्या होगा कि उस मीडियम को, उस चैनल को या उस तरीके को हम और क्या करेंगे, और ज्यादा एडवांस्ड बनाएंगे उसको, और ज्यादा अच्छा करेंगे ताकि वो और इफिशियंटली हमारा कम्युनिकेशन करा सके, ठीक। तो अगर इन जनरल हम बात करें तो कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है इंफॉर्मेशन सोर्स, है ना, जो बेसिकली इंफॉर्मेशन को जनरेट करेगा। अब वो इंफॉर्मेशन सोर्स कौन सा हो सकता है, मे बी हो सकता है हमारी ह्यूमन वॉइस हो, ठीक है, हमने जो बोला वो हमारी एक इंफॉर्मेशन है जिसको हमें एक डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास उसके लिए एक मीडियम होता है हमारा मोबाइल या लैंडलाइन फोन, ठीक। दूसरा इसी तरह से इंफॉर्मेशन सोर्स क्या हो सकता है, एक सिस्टम है, कंप्यूटर, एक कंप्यूटर है, उसको अपनी कुछ इंफॉर्मेशन किसी और सिस्टम पे शेयर करनी है, तो वो कंप्यूटर में भी हो सकता है वो पिक्चर फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो, मे बी वो डेटा फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो, तो उस इंफॉर्मेशन को वो वहां पे सेंड करना चाह रहा, तो वो जो कंप्यूटर हुआ और उस कंप्यूटर का जो बेसिकली डेटा या उसकी जो पिक्चर हुई या उसका जो म्यूजिक हुआ जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स की इंफॉर्मेशन, ठीक। अब ये इंफॉर्मेशन सोर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो या तो फिजिकल फॉर्म में होगी, मीनिंग जैसे हम बात कर रहे हैं हमारी नॉर्मल ह्यूमन वॉइस, या हो सकता है वो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिकल डेटा हो, है ना, इलेक्ट्रिकल डेटा है, दैट मींस हमारे कंप्यूटर से जनरेटेड डेटा है वो एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही जनरेट हो रहा है, ठीक। या फिजिकल डेटा हो सकता है जो इंफॉर्मेशन सोर्स ने जनरेट किया हमारे जैसे ह्यूमन वॉइस, तो अगर इलेक्ट्रिकल डेटा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये फिजिकल डेटा है तो इसको ट्रांसमिट करने से पहले हमें एक यहाँ पे
और ब्लॉक नीडेड होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। है ना, अब ये ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है, किसी एक पर्टिकुलर सिग्नल को टी फॉर्म को दूसरी सिग्नल फॉर्म में चेंज करता है। मीनिंग मे बी पॉसिबल एक फिजिकल सिग्नल है उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक इसी तरीके से हो सकता है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें एक ट्रांसड्यूसर की नीड होती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये सोर्स साइड पे है तो इसको हमने क्या बोला, सोर्स ट्रांसड्यूसर। अब इस ट्रांसड्यूसर से ये सिग्नल यहाँ हमारे ट्रांसमीटर में एंटर करेगा। ठीक यहाँ हमारे ट्रांसमीटर में। अब ये ट्रांसमीटर सेक्शन जो है वो बेसिकली क्या करेगा, मॉड्यूलेशन करेगा, करेगा मॉड्यूलेशन करेगा। ठीक है, और भी कुछ चीजें होती है यहाँ पे, लेकिन अभी हमें बेसिक यही समझना है कि जो हमारा ट्रांसमीटर है, हमारा जो यहाँ पे सिग्नल आया उस सिग्नल को का मॉड्यूलेशन करेगा। ठीक, अब ये समझना है कि जो सिग्नल यहाँ पे, जो फिजिकल सिग्नल इस ट्रांसड्यूसर से होके आ रहा है या डायरेक्टली इंफॉर्मेशन सोर्स से आ रहा है, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। क्यों? क्योंकि इसका मॉड्यूलेशन होने वाला है। और ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये हमेशा लो फ्रीक्वेंसी पे होगा, हमेशा, इन द सेंस कि इन जनरल इंफॉर्मेशन सोर्स जो सिग्नल जनरेट करती है वो लो फ्रीक्वेंसी के ही सिग्नल होते हैं। ठीक, दैट इज व्हाई हम ये बोल देते हैं कि भाई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उनकी फ्रीक्वेंसी लो ही हो इन जनरल। ऐसा मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मे बी कोई इन्फॉर्मेशन सोर्स हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, इट्स ओके। ठीक है, लेकिन इन जनरल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी पे होता है। लो फ्रीक्वेंसी किसके कंपैरिजन में, यहाँ पे जो इस मॉड्यूलेशन के बाद जो सिग्नल जनरेट हुआ, इस मॉड्यूलेशन के बाद जो सिग्नल जनरेट हुआ यहाँ पे, ठीक, वो सिग्नल क्या कहलाएगा, मॉड्यूलेटर सिग्नल। ठीक है, और इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हाई होगी इन कंपैरिजन टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। क्यों? क्योंकि हम जो इन जनरल ये जो मॉड्यूलेशन करा रहे हैं ना, इसका बेसिक काम या बेसिक नीड जो थी वो यही थी कि हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना चाह रहे थे इस अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, हमने फिजिकल सिग्नल या जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था उसकी हमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी, इसी के लिए हमने बेसिकली मॉड्यूलेशन किया। अब ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जिसको हमने मॉड्यूलेट किया है, इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम क्या करेंगे, इस चैनल पे सेंड कर देंगे। चैनल मतलब क्या है, कोई एक मीडियम जिसके थ्रू हम अपने सिग्नल को भेज सके, है ना। अब वो मीडियम तुम्हारा वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। वायर्ड में तुम कोएक्सियल केबल्स यूज कर सकते हो, ऑप्टिकल फाइबर यूज कर सकते हो, और वायरलेस में आप एयर के थ्रू ट्रांसमिशन करते हो। ठीक है, तो इन जनरल जब ये मॉड्यूलेटर सिग्नल को आप डेस्टिनेशन की तरफ भेजोगे, ठीक है, रिसीवर की तरफ भेजोगे, तो ये या किसी न किसी मीडियम से होके जाएगा। अब वो मीडियम वायर्ड होगा या वायरलेस होगा। अब ये जो चैनल है या जो ये मीडियम है, जब यहाँ से सिग्नल तुम्हारा ऐसे ट्रांसमिट कर रहा होगा, यहाँ से चला यहाँ ऐसे, जब ये ट्रांसमिट कर रहा होगा तो उस टाइम पे डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे नॉइस का इफेक्ट आएगा, यानी इस चैनल को नॉइस कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही होगी। ठीक, या ये कहें कि इस यहाँ जो सिग्नल जा रहा है, जो हमने सिग्नल को जिसको हमने भेजा है उसको कहीं ना कहीं नॉइस अफेक्ट कर रही है। ठीक, उसकी वजह से सिग्नल हमारा एटीन्यूएट हो सकता है। एटीन्यूएट का मतलब क्या है, सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो तुम्हारा सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो तुम्हारा डिक्रीज हो गया। सिग्नल का एटीन्यूएशन का मतलब क्या, उसका एम्पलीट्यूड, उसकी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो गई। ठीक, अब चैनल से ये सिग्नल यहाँ पहुंचेगा रिसीवर को,
यहां इस रिसीवर सेक्शन में होगा डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, मीनिंग जो हमने यहां सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया मॉड्यूलेशन करके, ये वापस ये रिसीवर सेक्शन हमारे ओरिजिनल सिग्नल को वापस जनरेट करेगा और वो ओरिजिनल सिग्नल यहां डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। डेस्टिनेशन मतलब क्या, जो उस सिग्नल को रिसीव कर रहा है। ठीक है, इसको अब यहां पर भी इस रिसीवर और डेस्टिनेशन के बीच में मे बी पॉसिबल इस रिसीवर ने जो सिग्नल डीमॉड्यूलेट किया होगा वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा, उसको हमें फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिसको हम प्रॉपरली समझ सके, हमें यहाँ पे भी एक ट्रांसड्यूसर लगाना होगा। इसको हम डेस्टिनेशन ट्रांसड्यूसर बोल देंगे। इन जनरल जब तुम कम्युनिकेशन की बात करते हो तो इतनी सारी चीजें उस कम्युनिकेशन में बेसिकली हो रही होगी, इसके अंदर भी कई सारी और सारी कैलकुलेशंस हैं और कई सारे फैक्टर्स हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा कम्युनिकेशन सब्जेक्ट कंप्लीट होते होते, लेकिन बेसिकली जो कम्युनिकेशन होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है। इसको अगर एक एग्जाम्पल से देखना चाहो, तुमने जब घर में अपने FM ऑन किया, रेडियो ऑन किया, ठीक, और उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट किया, ठीक, तो तुम वहां पे क्या थे, डेस्टिनेशन जिसको वो गाना सुनना था, और इंफॉर्मेशन सोर्स कौन था, वो रेडियो FM वाली कंपनी जो उस गाने को रिलीज कर रही, रिलीज इन द सेंस जो उस गाने को ब्रॉडकास्ट कर रही है सबके। तो इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, वो जहां से तुम्हारा वो गाना ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और उसमें इंफॉर्मेशन क्या है, वो गाना जो तुम सुनना चाह रहे हो, ठीक, वो फिजिकल फॉर्म का गाना ट्रांसड्यूसर से होके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ पे ट्रांसमीटर पे आया, ठीक, अब इसका यहाँ पे मॉड्यूलेशन हुआ उस ट्रांसमीटर सेक्शन में, यहाँ पे उस गाने का मॉड्यूलेशन हुआ, यानी हमने उस गाने को एक कैरियर सिग्नल, एक कैरियर सिग्नल पे मॉड्यूलेट कराया और उसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कन्वर्ट कर, ठीक, देन वो वायरलेस चैनल के थ्रू तुम्हारे रिसीवर यानी तुम्हारे पास तक पहुंचा, तुम्हारे FM के पास पहुंचा। रिसीवर कौन है, जो तुम्हारा रेडियो या जो तुम मोबाइल जिस पे भी तुम रेडियो सुन रहे हो, जो तुम्हारी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो तुम्हारा क्या है, रिसीवर। अब वो रिसीवर क्या कर रहा है, डीमॉड्यूलेशन कर रहा है। डीमॉड्यूलेशन कब होगा, जब तुमने उसकी रेडियो की नॉब को सेट करके एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट किया, और वो फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं क्या होती है, मे बी 98.3, 90.1, सबके लिए एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी सेट है कि 98.3 मेगाहर्ट्ज़ का अगर आप अपने रेडियो को सेट करोगे तो यहाँ पे आपको ये वाला चैनल सुनाई देगा, ठीक, तो वहां पे डीमॉड्यूलेशन हुआ, देन ट्रांसड्यूसर ने तुम्हारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगेन फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया और तुमने वो जो सॉन्ग यहाँ से रिलीज हुआ था, ब्रॉडकास्ट हुआ था, वो यहाँ तुम्हें यानी डेस्टिनेशन को सुनाई देने लगा। तो ये बेसिक तुम्हारा कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, इससे तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन मिलता है कि भाई बेसिक ब्लॉक कम्युनिकेशन ब्लॉक डायग्राम बनाओ और उसको एक्सप्लेन करो। ठीक, नेक्स्ट जो यहाँ से तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है वो ये कि मॉड्यूलेशन की नीड क्या है, क्यों हमें मॉड्यूलेशन करना है, और साथ में ये भी ऐड रहेगा कि मॉड्यूलेशन होता क्या है, ठीक है, मॉड्यूलेशन की नीड क्या है और मॉड्यूलेशन होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई मॉड्यूलेशन होता क्या है। लेट्स से यहां पे हमने एक मैसेज सिग्नल लिया,
एक एनालॉग मैसेज सिग्नल लिया है, ठीक है, जनरली कहें तो एक साइनोसॉइडल सिग्नल लिया है, ठीक, एक एनालॉग सिग्नल जो साइनोसॉइडल है, ठीक है, उस सिग्नल को अगर हम शो करें तो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए साइन ओमेगा डी प्लस फाइ, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड ए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए ये है, ठीक, ओमेगा क्या है इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, फाइ क्या है इसका फेज, तो इस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए अगर हम देखें तो टाइम जो टाइम पीरियड हमने डिफाइन किया है वो 2 सेकंड का डिफाइन किया है, और जो फेस है वो यहाँ पे इसका 0, दैट मींस ओमेगा या इसकी जो रेडियन में फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी 1/2 या 0.5 रेडियन। हम क्या चाहते हैं कि इस मैसेज सिग्नल का मॉड्यूलेशन हो जाए, ठीक, उस मॉड्यूलेशन को करने के लिए हमने क्या लिया, एक हाई फ्रीक्वेंसी एनालॉग सिग्नल लिया। जब तक हम मॉड्यूलेशन एनालॉग कर रहे हैं तो हम जो करियर सिग्नल लेंगे वो एनालॉग लिए, अभी आगे जाके जब मॉड्यूलेशन हम डिजिटल मॉड्यूलेशन देखेंगे तो वहां पे जो करियर सिग्नल हम लेंगे वो डिजिटल करियर सिग्नल होगा, ठीक, तो लेट्स से यहां पे हमने एनालॉग सिग्नल लिया, अब क्योंकि हमें हाई फ्रीक्वेंसी का एनालॉग सिग्नल लेना था, दैट मींस इसका जो टाइम पीरियड होगा, इस सिग्नल का जो टाइम पीरियड होगा वो काफी कम होगा, ठीक, अब हम क्या करेंगे कि ये जो मैसेज सिग्नल है इसमें या तो एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा होगा या फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही होगी या फेस वेरी कर रहा होगा, और इन्हीं तीन पैरामीटर्स में किसी एक पैरामीटर जो वेरी कर रहा होगा उसी पैरामीटर में इंफॉर्मेशन कंटेन हो रही होगी, ठीक, मे बी हो सकता है कि एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा हो और उस एम्पलीट्यूड में ही सारी इंफॉर्मेशन, या ये फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो रहा हो, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो रहा हो और उस सिग्नल में सारी इंफॉर्मेशन, या मे बी पॉसिबल इस फेस में वेरिएशन हो रहा हो टाइम के साथ और उस फेस में सारी इंफॉर्मेशन, तो जिस भी पैरामीटर में इंफॉर्मेशन है उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम करियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को वेरी कराते हैं। हम क्या कर रहे हैं, जिस भी पैरामीटर में हमारे इंफॉर्मेशन कंटेंट है उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हम करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कराते हैं, ठीक, इससे क्या होता है कि करियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में, ठीक, यानी ये कहें बेसिकली कि अब जो इंफॉर्मेशन जो इस पैरामीटर में थी, इन डिफरेंट पैरामीटर्स में थी, इनमें से किसी एक पैरामीटर में थी, वो अब कहां आ गई, करियर सिग्नल में आ गई, ठीक, और उसकी वजह से क्या हुआ, अब हम क्या कर सकते हैं, ये कैरियर सिग्नल जो हाई फ्रीक्वेंसी का है जिसने हमारे मैसेज सिग्नल को कंटेन कर रखा है, बेसिकली मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रखा है, उसको अब हम इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये बेसिक बात हमें समझनी है कि मॉड्यूलेशन में हम क्या कर रहे हैं, मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन को, मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन जिस पैरामीटर में है उसके रिस्पेक्ट में हम करियर सिग्नल को वेरी करा रहे हैं, जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन है वो करियर सिग्नल पे आ जा रही है और एक हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट हो जा रहा है जो इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहा है। पहले हमारे पास ये सिग्नल था जो इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहा है, अब हम मॉड्यूलेशन करा के करियर सिग्नल में सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करा रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से अब हाई फ्रीक्वेंसी का ये करियर सिग्नल सारी इंफॉर्मेशन को लेके आगे जाएगा, दैट मींस ये हम क्या करा रहे हैं, मॉड्यूलेशन। अभी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब हम लोग एक एक करके सारे मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हम केवल एक पैरामीटर की बात कर रहे हैं, कैसे एम्पलीट्यूड में तुम्हारा मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, कैसे इस एम्पलीट्यूड के वेरिएशन के साथ करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड हम वेरी कराते हैं, कैसे हम फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन के साथ करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड हम वेरी कराते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट पैरामीटर की वजह से जब हम करियर सिग्नल में वेरिएशन करते हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉड्यूलेशन।
अब इस मॉड्यूलेशन से हमें क्या बेनिफिट होगा, इस मॉड्यूलेशन की हमें नीड क्या थी? तो सबसे पहला पॉइंट कि भाई मॉड्यूलेशन करा के तुम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो। बेसिकली जो तुम्हारा पास मैसेज था, पहले एक काफी स्मॉल फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में वो मैसेज कंटेन्ड हो रहा था, पहले मैसेज इनके पास था, ठीक है, मे बी इनके एम्पलीट्यूड में था या इनकी फ्रीक्वेंसी में था या फेस में था, लेकिन इनके पास था। अब वो मैसेज सिग्नल कहाँ चला गया, इस करियर सिग्नल के पास। अब ये करियर सिग्नल रिस्पॉन्सिबल है उस मैसेज सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अब हमें दिख रहा है कि भाई जो अब मैसेज जहां पर है मॉड्यूलेशन के बाद, वो सिग्नल हमारा काफी हाई फ्रीक्वेंसी पर। दैट मींस हमने बेसिकली किया क्या, हमने अपने मैसेज को सेंड करने वाला जो सिग्नल था उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर। और हमें पता है कि अगर हम जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी का है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है, और अगर वही सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी का है तो वो ज्यादा लार्ज डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर सकता। मीनिंग अगर हमें कम्युनिकेशन रेंज को इंक्रीज करना तो उसके लिए हमें मॉड्यूलेशन करना, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना, ठीक है। क्यों? कि भाई देखो जो सिग्नल के सोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन वॉइस हो या कंप्यूटर जनरेटेड सिग्नल हो, ठीक, कोई भी पिक्चर हो या कोई डेटा हो, ये सारी सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी काफी हाई नहीं होती है। ये सारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लिमिटेड है और काफी लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक। तो उसको अगर हम डायरेक्टली ट्रांसमिट करेंगे बिना मॉड्यूलेशन के तो उनकी जो कम्युनिकेशन की रेंज होगी वो हमें काफी कम मिलेगी, और उस रेंज को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये मॉड्यूलेशन कर। ठीक, दूसरी नीड क्या है, रिड्यूस एंटीना हाइट। दूसरा हम इससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं कि एंटीना हाइट को रिड्यूस कर सकते हैं। अब इस चीज को समझना कि एंटीना हाइट जो है, तुम्हारा मतलब अगर कोई एंटीना नहीं दिमाग में आ रहा तो भाई बाहर जो टावर, मोबाइल के टावर लगे हैं उस एंटीना को इमेजिन कर लो और उसकी हाइट को इमेजिन करो, ठीक है। तो वो जो ये जो एंटीना की हाइट है वो बेसिकली डिपेंड करती है सिग्नल की वेवलेंथ, जो भी सिग्नल उस एंटीना से ट्रांसमिट किया जा रहा है उस सिग्नल की वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है, h is equal to approximate lambda by 4, approx इसी ऑर्डर का हम हाइट लेते हैं, मतलब लैम्डा बाई 4 के ऑर्डर का ही हम हाइट लेते हैं। यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है कि हाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, मीनिंग जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी ज्यादा हाइट। तो हमें तो यही चाहिए ना कि हमारे सिग्नल की वेवलेंथ कम रहे ताकि हमें ज्यादा ज्यादा हाइट वाला एंटीना ना बनाना पड़े। हम तो यही चाहेंगे ना कि हमारे सिग्नल की वेवलेंथ कम रहे, और सिग्नल की वेवलेंथ कम रहे उसके लिए जरूरी है कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हाई रहे, क्योंकि हमें पता है सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। तो हमारा बेसिक नीड क्या है, अगर हमें एंटीना हाइट को कम से कम रखना है तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को ज्यादा से ज्यादा रखना है। इस बात को अगर हम मैथमेटिकली देखना चाहें, लेट्स से हमने एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल लिया 2 kHz का, ठीक। अब इस 2 kHz सिग्नल की अगर हम वेवलेंथ फाइंड आउट करें तो वो वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एफ। सी यहाँ क्या है, लाइट वेलोसिटी, जो कितनी होती है 3×10⁻¹ डिवाइड बाई 2 kHz का सिग्नल था, तो 2×10⁻³। ये कितना आया, 1.5×10⁵ m। राइट, अब अगर इसकी इस वेवलेंथ के सिग्नल को हमें ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए जो हमें एंटीना लगेगा उसकी हाइट कितनी होगी, 1.5×10⁵ m।
That means approximate 150 by 4 kilometer. या ये क्या है? Clearly more 37.5 kilometer. अब थोड़ा सा imagination करो कि जो एंटीना तुम्हारे घर के बाहर लगा हुआ है या थोड़ा दूर पे लगा हुआ है, रोड पे जितने मोबाइल टावर्स देखे होंगे, उनकी हाइट अगर हमें 37 किलोमीटर रखनी हो, ठीक, स्ट्रक्चर उनका कुछ इस तरह से होता है, ठीक, मीनिंग नीचे की रेडियस ज्यादा और ऊपर जाते जाते रेडियस रिड्यूस होती जाती है. तो सोचो कि इस 37 किलोमीटर की हाइट तो ठीक है, एक बार हम मैनेजेबल शायद हो सकती है, लेकिन इसके लिए नीचे रेडियस कितनी ज्यादा लेनी पड़ेगी, कितनी हाई रेडियस पे, मीनिंग एक एंटीना बनाने का मतलब है एक बड़े से एरिया में एक काफी बड़ा सा एंटीना लगा है, और ये सोचो तुम्हारे एक छोटे से जहाँ पे तुम रहते हो उसके आसपास हमने देखा कितने सारे मोबाइल टावर की नींद पड़ जाती है. तो अगर इतने बड़े बड़े एंटीना अगर हमें बनाने पड़ते हैं तो क्या हम इतने मोबाइल टावर बना पाते, इतना इफिशियंट कम्युनिकेशन हम कर पाते, नहीं कर पाते. तो उसके लिए हमने क्या किया, मॉड्यूलेशन. जब मॉड्यूलेशन यूज किया तो उससे हमने क्या किया, अपने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके, जो अभी तक 2 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी उसको इंक्रीज करके 2 मेगाहर्ट्ज, है ना, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके अब हमने 2 मेगाहर्ट्ज कर दिया. अब हमने वेवलेंथ को फाइंड आउट किया, तो वेवलेंथ निकल के आई भाई 1.5 इनटू 10 टू द पावर 2 मीटर. अब इस वेवलेंथ के सिग्नल को अगर हमें ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए जो हमें एंटीना लगेगा उसकी हाइट कितनी होगी, 150 डिवाइड बाय 2, दैट मींस 37.5 मीटर. अब ध्यान से देखो तो केवल एक मॉड्यूलेशन करने की वजह से तुम्हारे एंटीना की हाइट में कितना चेंज है. अभी तक ये किलोमीटर वाला इम्प्रैक्टिकल एंटीना था जिसको बना पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, ठीक, वो अब 37.5 मीटर करेंगे जिसको हम एट लास्ट बना तो सकते हैं, थोड़ी थोड़ी हाइट ठीक है लेकिन फिर भी हम उसको बना तो सकते हैं. तो हमें एक और बेनिफिट या एक और नीड जो मॉड्यूलेशन की थी वो क्या थी, कि तुम्हारे एंटीना की हाइट रिड्यूस हो जाएगी, राइट. नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज है उसको समझने के लिए, लेट्स से हमने 3 इंफॉर्मेशन सोर्स लिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड. फर्स्ट वाला अपनी इंफॉर्मेशन को फर्स्ट डेस्टिनेशन पे भेजना चाह रहा है, सेकंड वाला अपनी इंफॉर्मेशन को सेकंड डेस्टिनेशन पे भेजना चाह रहा है, थर्ड वाला अपनी इंफॉर्मेशन को थर्ड डेस्टिनेशन पे भेजना चाह रहा है. अब तीनों अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को तो भेजना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके पास जो कोएक्सियल केबल थी या इनके पास जो ऑप्टिकल फाइबर था वो एक ही, मीनिंग एक ही रास्ते से इन तीनों को जाना, पर इन तीनों, ये तीनों ही नॉर्मल ह्यूमन वॉइस जनरेट कर रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20 किलोहर्ट्ज के बीच में है. दैट मींस एक नॉर्मल एक ले लिया कि हाँ S1 जो है वो 200 हर्ट्ज का सिग्नल जनरेट कर रहा है, S2 350 हर्ट्ज का सिग्नल जनरेट कर रहा है, और S3 2.5 किलोहर्ट्ज का सिग्नल जनरेट कर रहा है. अब अगर ये तीनों सिग्नल एक ही चैनल से पास होंगे तो क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी के बीच में बहुत हाई डिफरेंस नहीं है, उसकी वजह से इन जब ये सेम चैनल से पास होंगे तो इसमें मिक्सिंग होने के चांसेस काफी हाई है, है ना, सिग्नल के आपस में मिक्स हो जाने के चांस काफी हाई है. तो वो मिक्सिंग ना हो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं, ठीक है. ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, ये भी हमारा क्या है, मॉड्यूलेटर है, ये भी हमारा क्या है, मॉड्यूलेटर है. अब तीनों मॉड्यूलेटर्स में जो हमने करियर सिग्नल यूज किया है
वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का यूज कर लिया है, एक 2 मेगाहर्ट्ज का है, दूसरा 10 मेगाहर्ट्ज का है, तीसरा 20 मेगाहर्ट्ज का है। तो मीनिंग अब जो सिग्नल मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो जनरेट होगा उनके बीच में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हाई है, मीनिंग अब उनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस था, उनकी बैंडविड्थ में जो बेसिकली डिफरेंस था वो अब हाई है। उसकी वजह से क्या हुआ कि तुम प्रॉपरली इसी चैनल से इन तीनों सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हो, आपस में इनकी कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी और ये इजिली यहां से इधर पहुंच जाएंगे। बीच में यहाँ पे एक डिमोड्यूलेटर जरूर लगाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक, तो तीसरा एडवांटेज क्या है हमारा, सिग्नल मिक्सिंग को अवॉइड कर सकते हैं, चैनल में सिग्नल मिक्स हो जाएगा इस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम इसी एग्जांपल से लेट्स से हम जब चैनल में सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं इन तीनों सिग्नल सोर्स से, तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि इस चैनल में कोई एक टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग यूज करें। तो अगर इनके इनकी बैंडविड्थ के बीच में डिफरेंस काफी कम होगा तो वो मल्टीप्लेक्सिंग प्रॉपरली नहीं यूज हो सकता। तो उसके लिए भी उस मल्टीप्लेक्सिंग को प्रॉपरली यूज करने के लिए, मीनिंग जब चैनल में वो ट्रांसमिट हो एक साथ तो वो आपस में मर्ज ना हो जाए, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यही मॉड्यूलेटर का यूज करेंगे। तो यहां से हमें चार नीड या चार एडवांटेज मॉड्यूलेशन के क्या मिल रहे हैं, पहला एंटीना हाइट रिड्यूस हो जाएगी, दूसरा कम्युनिकेशन रेंज बढ़ जाएगी, तीसरा हम सिग्नल की मिक्सिंग को अवॉइड कर सकते हैं, है ना, सिग्नल की मिक्सिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं, चौथा हम मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं सिग्नल्स की। ठीक, पांचवा अभी एक और समझेंगे, एक और देखेंगे जब हम बैंडविड्थ निकालना और समझना सीख जाएंगे कि ये अलाउ करता है एडजस्टमेंट ऑफ बैंडविड्थ। सिग्नल्स की अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो सिग्नल की बैंडविड्थ भी इजीली एडजस्ट की जा सकती है यूजिंग मॉड्यूलेशन, मीनिंग हम अपने अकॉर्डिंग सिग्नल की बैंडविड्थ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जब हम बेस बैंड पास बैंड ये दोनों सिग्नल देख लेंगे, थोड़ा सा मॉड्यूलेशन कैसे हो रहा है वो समझ लेंगे, तब हम ये पॉइंट ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि हाँ कैसे उसमें बैंडविड्थ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अभी के लिए इस पॉइंट को डायरेक्टली याद रखेंगे, नेक्स्ट जैसे फर्दर हम आगे बढ़ते जाएंगे हम लोगों का ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि कैसे बैंडविड्थ में एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो ये बेसिकली मेन एडवांटेजेस है कि क्यों हम मॉड्यूलेशन हमें नीडेड होगा। अब इसके बाद फर्दर जब आगे बढ़ेंगे तो हमें देखना होगा कि हाँ भाई कि कौन कौन से मॉड्यूलेशन होते हैं, ठीक है, किस मॉड्यूलेशन में क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। ठीक, अच्छा, जितना अभी हम लोगों ने डिस्कस किया